हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 15 अक्टूबर से सभी गतिविधियों को खोलने की तैयारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री के पूरे देशवासियों के आह्वान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वयं शपथ लेते हुए कहा, हम सभी साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ जीतेंगे देश की इस लड़ाई को। गोरखपुर में 122 करोड़ की 177 विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शिलान्यास, कहा विकास की रोशनी से रोशन होगी गोरखपुर की हर गली, रामगढ़ ताल को बनाएंगे विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र, इस साल चिड़ियाघर और अगले साल की शुरुआत में होगी खाद कारखाने की आस। खेतों में पराली जलाने को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह है सतर्क, प्रभारी जिलाधिकारी व सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने किसानों से की अपील, कहा खेतों में ना जलाएं पराली, प्रदूषण पर रखें नियंत्रण। महापौर सीताराम जायसवाल के कैंप कार्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में देखने को मिला अलग ही रंग, लोगों ने भक्तिमय गीतों के साथ मनाया जश्न। 9 अक्टूबर को होगा सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चुनाव, तैयारियां पूरी, एल्डर्स कमेटी के सदस्य ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम का महानगर के 55 स्थानों पर किया गया लाइव प्रसारण, जनप्रतिनिधियों ने कहा गोरखपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा मुख्यमंत्री का योगदान। निजीकरण के आंदोलन में मिली विजय पर विद्युत कर्मियों ने किया संकल्प सभा, पूर्ण निष्ठा से दायित्वों के निर्वहन की ली शपथ, कहा उपभोक्ताओं के उम्मीदों पर खरा उतरेगा विद्युत विभाग। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 126 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 16,805, अब तक 273 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, एक्टिव मरीज हुए 1,633, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 58 लाख की लागत से बने हलोटिया मार्केट में सीसी रोड का ऑनलाइन किया लोकार्पण, दवा विक्रेता समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। और शहरी आशा बहुओं द्वारा आशा कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन राशि के बदले मानदेय दिए जाने के संबंध में किया धरना प्रदर्शन, मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को संबोधित, सौंपा ज्ञापन, अपनी मांगों को पूरा करने की मांग।